हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आवधिक आकलन चल रहा है और उसके दौरान हमें 5 चीज़ें करने रहती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और FLN संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर अपलोड है साथियों। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो जो जानकारी आपको वीडियो में बता रहे हैं उन सबके से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे साथियों। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, हम क्रम बाय क्रम पूरी प्रोसेस की बात करते हैं कि इसके दरमियान 5 चीज़ें होना और कौन कौन सी होना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आवधिक आकलन करते हैं जिसमें बच्चों के द्वारा वर्कशीट हल की जाती है, और उसके बाद में हम उन वर्कशीट को चेक करते हैं, यानी आवधिक आकलन हमारा हो जाता है। और ये काम हम पहले दूसरे दिन में करते हैं। इसके साथ ही आकलन कार्यपत्रक द्वारा आवधिक आकलन ले लेते हैं, यानी जो वर्कशीट है जिन्हें कार्यपत्रक कहा जाता है उनसे हम बच्चों का आकलन ले लेते हैं। उसके बाद में हम उसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के दौरान ही हमें लास्ट में जो अंतिम शीट मिलती है उसमें आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता, यानी हर बच्चे की जो आकलन हुआ है उस आकलन के आधार पर जो बच्चा है उसकी आगामी क्या प्राथमिकता रहेगी उससे संबंधित वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो जिसमें आपको 5 पंक्ति मिलेगी, यानी 5 पंक्तियों में आकलन के आधार पर हर बच्चे की आगामी प्राथमिकता लिखना है। इसी के बाद में बात करें आकलन ट्रैकर भरना, यानी साथियों ये होने के बाद में हर बच्चे का हमको आकलन ट्रैकर भरना है, और आकलन ट्रैकर से संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। इसके बाद में जैसे ही हमारी आकलन ट्रैकर शीट भर जाती है उसके बाद में समूह निर्माण करना होता है। तो समूह निर्माण करना होता है तो इसके निर्देश भी हमको शिक्षक संदर्शिका में देखने को मिलते हैं साथियों। तो समूह निर्माण किस प्रकार से करना है, इसके 3 तरीके हैं, उन तीनों तरीकों पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो समूह निर्माण जो होगा ऑनलाइन ट्रैकर की सहायता से होगा, यानी आने वाले समय में हम जो आकलन किया है उस आकलन शीट पे जो आंकड़े प्राप्त हुए उन आंकड़े को हमें ऑनलाइन भी करना होगा। जैसे ही ऑनलाइन संबंधित प्रोसेस आएगी साथियों, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। तो एक तो हो गया ऑनलाइन ट्रैकर की सहायता से, दो और अन्य हैं जिसके अनुसार हमें समूह निर्माण करना है, यानी समूह निर्माण नहीं करना, हमें बच्चों को उस हिसाब से समूह में इंगित कर लेना है कि ये बच्चा इस समूह में, ये बच्चा समूह 2 में और ये बच्चा समूह 3 में, इस प्रकार से इंगित कर लेना है। और वो इंगित कर लेंगे उसके बाद में, यानी समूह निर्माण ऑनलाइन ट्रैकर की सहायता से, और दो अन्य सहायक तरीके हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसके हिसाब से हमको बच्चों को समूह निर्धारण कर लेना है, यानी ये बच्चा इस समूह में। वो निर्धारण होने के बाद में जो लास्ट वाला बिंदु है कार्य योजना का निर्माण होगा, यानी समूह 1 के बच्चे के लिए क्या व्यवस्था होगी, समूह 2 के बच्चे के लिए किस प्रकार हमारी कार्य योजना होगी, और समूह 3 के बच्चों के लिए हमारी कार्य योजना क्या होगी। किंतु साथियों, सबसे पहले हमें समूह निर्माण, यानी समूह निर्माण करना होगा। यदि हमारा सही से समूह निर्माण होगा तो उसके अंतर्गत हमारे बच्चे व्यवस्थित सम्मिलित रहेंगे, और उसके बाद में हम कार्य योजना तैयार करेंगे। तो आगामी वीडियो कार्य योजना के रूप में रहेगा। आज हम चौथे नंबर पे जो समूह निर्माण की बात करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार और किन आधार पर होगा, तो साथियों आप देख सकते हो पहले हम दूसरे दिन में आकलन हो गया, और 3, 4, 5, 6 दिन में पुनः शिक्षण होगा। किंतु ये जो पुनः शिक्षण होगा ये भी समूह निर्माण के पश्चात ही होगा। यदि हमारा समूह निर्माण हो जाएगा तो ही तो हम पुनः शिक्षण यानी पुनर्बलन का कार्य कर सकेंगे, और पुनर्बलन के कार्य के लिए हमें कार्य योजना तैयार करना होगी। तो फ्रेंड्स, समूह निर्माण की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से और किन बिंदुओं के अंतर्गत हमें 3 तरीके से समूह निर्माण कर सकते हैं। साथियों, हम बच्चों को समूह में इंगित किस प्रकार से कर सकते हैं, तो साथियों यहाँ पे इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो आपकी शिक्षक संदर्शिका है उसमें आपको ये निर्देश देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से साथियों आप किस प्रकार से बच्चों के समूह को इंगित कर सकते हैं, यानी बच्चों को समूह के अंतर्गत किस प्रकार इंगित करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूप से। आपकी शिक्षक संदर्शिका में निर्देश देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ समूह 1, 2, 3, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन, बच्चों द्वारा कार्यपत्रक हल किए जाने के बाद शिक्षक उन कार्यपत्रकों की जांच कर ले और ट्रैकर अपडेट करते हुए बच्चों का समूह भी बना ले। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें तो हो गए, लेकिन ये किस प्रकार से करना, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट में स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसमें ऑनलाइन ट्रैकर की सहायता ले, यानी इसमें ऑनलाइन ट्रैकर की भी सहायता लेना है। कि तो अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है इसलिए अभी हमें वो कार्य करना है, क्योंकि हम 10वें आकलन पर पहुँच गए, हमारा आकलन भी हो गया है और हमें बच्चों का पुनर्बलन करना है। तो किस प्रकार से करें, तो उसके 2 और तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, उन 2
तरीके वो और एक ऑनलाइन, इस प्रकार से तीन तरीके उनको देख लेते हैं। यानी शिक्षक अगले 4 दिवस यानी तीसरे, चौथे, पांचवें एवं छठे दिन किए जाने वाले पुनर्बलन एवं पुनः शिक्षण की तैयारी एवं कार्ययोजना स्वयं बनाए। तो शिक्षक स्वयं कार्ययोजना बनाएंगे, उससे पहले हम समूह निर्धारण से संबंधित बात कर लेते हैं। तो समूह का एक नियम तो यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हो, यानी जिन बच्चों ने सभी लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया और समूह एक में रहेंगे, समूह दो, जिन बच्चों ने अधिकतर लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया वो दो में रहेंगे, और समूह तीन, जिन बच्चों ने कुछ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया वो तीन में रहेंगे। इस प्रकार से एक ऑनलाइन का तरीका हो गया और ये हमें बाद में पता चलेगा, दूसरा तरीका ये हो गया, और एक और तरीका है जिसे हम देख लेते हैं साथियों। तो फ्रेंड्स, आप सब ने देखा होगा कि इस प्रकार से इमोजी आपको देखने को मिली होगी। ये जो इमोजी है ये तीन प्रकार से बच्चे की जो दक्षता है उसको प्रदर्शित करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहली दक्षता है ये स्वयं कर पाया उसके लिए हमें स्टार लगाना है, सहयोग से कर पाया उसके लिए आप देख सकते हो थंब लगाना है, और इस प्रकार से स्माइली करता हुआ गुड्डा यानी अभी और सहायता की आवश्यकता है, इसमें हल्की से स्माइली वाला यह जो आप देख रहे हैं इमोजी ये होगी, यानी बच्चे से, बच्चे के प्रदर्शन से जुड़े हुए आइकन का विवरण है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक तरीका ये भी उसमें शामिल होने वाला है। तो साथियों, अब वो तीन तरीके आप स्पष्ट रूप से समझ ले जो तीन तरीके इसके अंतर्गत शामिल होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये एक कॉपी पर तैयार करके आपको दिखाया साथियों, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तीनों तरीके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे साथियों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि FLN संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समूह निर्धारण। तो समूह निर्धारण तीन तरीके से करना है, तीनों तरीके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किंतु साथियों इसको समझ ले, समझना अत्यंत आवश्यक है। तो समूह एक की हम बात करें तो सभी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया हो वो बच्चे समूह ए में आएंगे। यदि आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो साथियों, जब हम ऑनलाइन ट्रैकर भरेंगे तो ऑनलाइन ट्रैकर में हमारे जो आकलन ट्रैकर प्रपत्र की जो संख्या है, जो आंकड़े आए हैं, वो जब हम फिल करेंगे मोबाइल ऐप के माध्यम से, तो वहाँ पे बच्चों के स्टार के रूप में हमको वहाँ पे दिखाई देगा, यानी बच्चों के जो परिणाम है उसके आगे स्टार के रूप में दिखाई देगा। यदि 3 स्टार दिखाई देते हैं साथियों, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 स्टार लिखा हुआ है, 3 स्टार दिखाई देता है तो समूह एक में रहेगा, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, यदि परसेंटेज में बात करें, जैसे कि उदाहरण के रूप में समझा जाए कि एक प्रश्न है जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए, यानी प्रश्न क्रमांक ए उसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 4 भागों में विभक्त है, तो यदि बच्चा 4 प्रश्न हल करता है तो 100% हो जाता है, 3 करता है 75% होता है। तो यदि 3 या 4 प्रश्न में से 3 से 4 प्रश्न हल करता है तो 67 से 100 के बीच में आएगा, यानी 67% से 100% के बीच में आएगा, यानी 67% से लेकर 100% का आंकड़ा यदि रहता है बच्चे का तो उसको समूह ए में माना जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, समूह दो की हम बात करें, यानी ये 3 प्रकार हो गए जो आपके सामने स्पष्ट। इस प्रकार समूह दो की बात करें तो दूसरा वही तरीका जो दिया गया है कि अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त किया हो, और सेकंड तरीका जिसमें 2 स्टार दिखाई देगा वो बच्चा आपका समूह 2 में रहेगा, यानी साथियों जो ऑनलाइन ट्रैकर रहेगा उसमें 2 स्टार दिखाई देगा तो समूह 2 में रहेगा। इसी प्रकार से 34% से 66% तक यदि उसका आंकड़ा रहता है, यानी उसके प्रश्नों के हल किए गए हैं, उन प्रश्नों का जो प्रतिशत रहता है, उसका जो परिणाम रहता है वो 34% से 66% रहता है तो भी वह समूह 2 में रहेगा, यानी समूह 2 में रहेगा। इस प्रकार साथियों, समूह 1 एवं 2 की बात हो गई। इसी क्रम में समूह 3 की बात करें तो समूह 3 कुछ लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त किया हो तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो ऑनलाइन ट्रैकर है उसमें इस प्रकार के समूह में आने वाले बच्चों के सामने स्टार 1 ही बना रहेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, 1 स्टार ये ऑनलाइन ट्रैकर के माध्यम से प्राप्त जानकारी हो गई, और 33% यानी 33% से कम होने पर बच्चा समूह 3 में रहेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपने देखा कि समूह निर्धारण इस प्रकार से होगा। इसके लिए कोई लिखित रूप में समूह निर्माण नहीं करना साथियों, क्योंकि आप सभी ने ट्रेनिंग ली और आप सब जानते हो, किंतु ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस समूह में आया है। आकलन
जो हमने दिया उसके अंतर्गत ही हमें पता होना चाहिए और ये तीन माध्यम है ताकि हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि किन किन माध्यमों से हम हमारे बच्चों का समूह निर्धारण कर सकते हैं और इस आधार पर हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार की जानकारी बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों कमेंट करें, लाइक करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बहुत ही विस्तृत तरीके से लाते रहें। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।